एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास टेंथ के लिए कार्बन एनेट्स कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, और 118 एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कॉपर, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनमें से ही हम कार्बन का स्टडी करेंगे। क्यों करेंगे कार्बन का स्टडी? देखो, देखो हमारे पास कुछ आइटम्स गिवन है, इसमें से कुछ मेटल्स के बने होंगे, कुछ ग्लास के बने होंगे, कुछ क्ले के बने होंगे, और कुछ बाकी सब्सटेंसेस से मिलके बने होंगे। ठीक है, तो देखो इन सभी में एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है। कौन सा एलिमेंट? वो है कार्बन। ठीक है, कार्बन क्या है? इन सभी में कॉमन है। ठीक, तो इसीलिए हमें कार्बन का स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन का जो यूज है वो बहुत वास्ट यूज है। लगभग हर चीज में कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, देखो जो अर्थ क्रस्ट है उसमें 0.02% कार्बन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। कौन कौन से? कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल और पेट्रोलियम। इसमें कार्बन 0.02% के आसपास कार्बन प्रेजेंट है, मतलब जो टोटल कार्बन है। अच्छा, वहीं पे अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो देखो कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। क्या है कार्बन? नॉन मेटल। तो आपने मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है, जो कि कोल का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब कोल में ज्यादातर क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, इसका सिंबल C होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कितनी होती है? 4। ठीक है, चलिए देखिए कार्बन किस प्रकार की बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कार्बन किस प्रकार की बॉन्डिंग करता है। देखो क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें स्टेबल होना है। क्या होना है? स्टेबल होना है। तो स्टेबल होने के लिए उन्हें बॉन्डिंग बनानी पड़ती है। ठीक है, क्या करनी पड़ती है? बॉन्डिंग करनी पड़ती है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें स्टेबल होने के लिए बॉन्डिंग करनी पड़ती है। तो कार्बन को भी स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा? बॉन्डिंग करना होगा। ठीक है, अब बॉन्डिंग को अलग अलग तरीके से अचीव किया जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से किया जा सकता है, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम कहें कि जो कार्बन है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करें, क्या करें? मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो। ठीक है, तो देखो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या कह रहे हैं कि बॉन्डिंग करना है। बॉन्डिंग किस तरीके से की जा सकती है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से की जा सकती है, या फिर शेयरिंग की वजह से की जा सकती है। अच्छा, स्टेबिलिटी अचीव करने का क्राइटेरिया क्या है? कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। और 2 इलेक्ट्रॉन्स वाले को कहते हैं हम डुप्लेट रूल। तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से गेन कर रहा है। फॉर एग्जांपल क्या कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से वो गेन कर ले रहा है। उसके आउटर मोस्ट शेल में वैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स वो बाहर से क्या कर रहा है? गेन कर ले रहा है कहीं से। अब जब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो क्या होगा? उसमें टोटल प्रोटॉन्स कितने होंगे? प्रोटॉन्स, टोटल प्रोटॉन्स पहले कितने थे? 6। टोटल प्रोटॉन्स 6 थे। पहले कितने थे टोटल इलेक्ट्रॉन्स? टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 थे। अभी अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है तो प्रोटॉन्स की संख्या तो सेम रहेगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे, कितने? 6 ही रहेंगे। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 से बढ़ के 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ये 6 प्रोटॉन्स है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना। ठीक है, जो ये 6 प्रोटॉन्स होंगे इनको 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके C4- नहीं बनाएगा। क्या?
कार्बन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके C4 माइनस नहीं बनाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके C4 माइनस नहीं बनाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आता भी है भैया कार्बन C4 माइनस क्यों नहीं बनाता है, तो उसका सिंपल सा रीजन है कि भैया छह प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर कह देते हैं कि चार इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो चार इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दें, क्या कर ले, चार इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाए। तो देखो चार इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए मतलब चार इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं हो पाती है, ठीक है। और चार इलेक्ट्रॉन्स को जब लूज करेगा तो वो C4 प्लस बनाएगा, क्या बनाएगा, C4 प्लस बनाएगा, लेकिन C4 प्लस भी नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन्स निकाले नहीं जा सकते। तो जो कार्बन है उससे चार इलेक्ट्रॉन्स निकाले भी नहीं जा सकते और कार्बन को चार इलेक्ट्रॉन्स दिए भी नहीं जा सकते, इस वजह से कार्बन से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ठीक है, कार्बन से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, क्यों, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन्स निकालना और चार इलेक्ट्रॉन्स देना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है। तो क्या करता है कार्बन, तो कार्बन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि भैया स्टेबल होना है, स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए भाई। अब वो चार आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को वो किस तरीके से अचीव करेगा, वो करेगा बाय शेयरिंग, शेयर करके, कैसे करेगा, शेयरिंग करके। जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो जो कार्बन है वो किस प्रकार की बॉन्डिंग बनाता है बेटा, कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, क्या करते हैं, जब दो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तब जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। अब जैसे देखो हमारे पास ये दो एटम्स थे, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनको स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, शेयर करना है। तो देखो इनकी जो ऑर्बिटल्स है वो आपस में ओवरलैपिंग हुई और ये इनके इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी ये कैसी बॉन्डिंग होगी, ये होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। इस कार्बन द ओनली एलिमेंट दैट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, क्या कार्बन ही ऐसा एलिमेंट है जो भाई कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, भैया नहीं, कार्बन के अलावा और भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, लगभग सभी नॉन मेटल्स क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स होते हैं सभी के सभी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ते हैं, हाइड्रोजन का देखते हैं, ठीक है। देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक दूसरा हाइड्रोजन है उसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के लिए क्या क्राइटेरिया है कि भैया हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी इस वाले हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा लेके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये ना ही इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा क्योंकि अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। अब ना ही ये इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, क्यों, क्योंकि अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो दोनों के पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो दोनों में से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाएगा। अब जब दोनों में से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग नहीं बनेगी, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा तो इसलिए क्या करेंगे, इनके बीच में होगी शेयरिंग, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे शेयरिंग दिख रही है दोनों में, ठीक है, ठीक। अच्छा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, दोनों एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्या किया, दोनों एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो कैसा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान रखना अगर हर एक एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है।
अच्छा, जो एक ही एलिमेंट होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम जनरली एक ही सिंबल से यूज करते हैं, मतलब जनरली हम डॉट और क्रॉस यूज करते हैं। तो अगर एक ही एटम है तो एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम एक ही, चाहे डॉट चाहे क्रॉस, दोनों में से किसी एक से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे है? एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, जैसे यहां पर बना हुआ है ये, देखो ये जो बन रखा है ये क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ओके। चलिए अगला है क्लोरीन का देखते हैं। तो क्लोरीन में भी क्या है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, ठीक है। दूसरा क्लोरीन है, उसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 है। अभी क्या होगा कि ये इसको बोलेगा कि भैया हमें हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ये नहीं देगा। ये कहेगा कि भैया तुम हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ये भी नहीं देगा, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों एक दूसरे को दे देते हैं तो उनके पास खुद इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, और अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो वो स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में भी क्या होगा, इन दोनों में भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो फिर दूसरा रास्ता क्या है कि भैया, दूसरा रास्ता है कि शेयरिंग करें, ठीक है। तो ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, तो देखो यहां पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है, तो यहां पे भी जो बॉन्ड बना है वो कैसा बॉन्ड है, यहां पे भी जो बॉन्ड बना है वो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, तो यहां पे भी जो बॉन्ड बना है ये कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ऑक्सीजन का, देखते हैं ऑक्सीजन में बॉन्डिंग देखते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। जैसे देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं। अच्छा, अभी दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा ऑक्सीजन भी देखते हैं। तो दूसरे वाले ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑक्सीजन एटम्स को कितने इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अभी ये एक ऑक्सीजन एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स इसको नहीं देगा, क्यों नहीं देगा कि भैया इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, और अगर ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अभी भी और ज्यादा क्या होगा, ये अभी भी उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, मतलब ये जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने एक दूसरे को दे नहीं पाएंगे, ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, जब ट्रांसफर नहीं होगा तो इसमें भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। जब आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे कुछ ऐसे। तो देखो यहां पे जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं ना बेटा, देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स किए हैं, देखो इसमें कितने हैं टोटल, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे, दो इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के, दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन के, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। जब दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कहलाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड को पैरेलल, दो पैरेलल लाइन से शो करते हैं इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरीके से डबल बॉन्ड बना, ठीक है। चलो अगला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरा जो नाइट्रोजन होगा उसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब दोनों दोनों नाइट्रोजन के पास तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। जब दोनों दोनों नाइट्रोजन के पास तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो इनमें भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। अब जब ये अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो यहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड होगा, वो होगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हर एक एलिमेंट तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर हर एक एलिमेंट तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है तो जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से तीन तीन लाइनों से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है बेटा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। इसमें भी अब हम जो बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं वो किसके बीच में, अभी तक जितने भी बॉन्डिंग पढ़ी वो हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में पढ़ी, फिर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में पढ़ी, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में पढ़ी। अब जो हम पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में। जैसे एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखो वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होगा, दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है।
चलो अब देखो क्या है, जो ऑक्सीजन है इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, टोटल दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन होगा उसको एक इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलेंगे नहीं, समझ रहे हो, जो ऑक्सीजन होगा उसको दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे नहीं, तो क्या करेगा ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है ये दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा। ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स है ना इनको क्या करेगा बेटा, शेयर करेगा। जैसे देखो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब जब इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बनेगा, ऐसा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, CH4 मीथेन। मीथेन में क्या है, एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स के, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये कार्बन चार हाइड्रोजन एटम्स के साथ, चार हाइड्रोजन एटम के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। देखो ऐसा, ठीक है, इस तरीके से शेयरिंग भी। अब जब इस तरीके से शेयरिंग हुई तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड बना बेटा, इनके बीच में जो बॉन्ड बना ये कैसा बॉन्ड है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, ऑक्सीजन है और कार्बन है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में छह इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा इसमें एक कार्बन दो ऑक्सीजन एटम्स के साथ, क्या एक कार्बन दो ऑक्सीजन एटम के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वो कैसा बॉन्ड बना बेटा, डबल बॉन्ड बना। ठीक है चलिए नेक्स्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, अच्छा जो कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को कहते हैं हम कोवेलेंट, कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर यूजुअली लिक्विड और गैसेस ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ओनली सम आर सॉलिड्स। देखो क्या होता है जनरली ये क्या होते हैं, इन लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। ठीक है, इनका जो जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, लो डायमंड को और ग्रेफाइट को, ग्रेफाइट भी उतना नहीं है लेकिन डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, उस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगला है, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये जनरली क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्युबल होते हैं। वाटर में इनसॉल्युबल क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं या फिर ये बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं, या फिर जब हम इन्हें वाटर में डालते हैं तो ये आइंस के फॉर्म में नहीं टूट पाते हैं, इस वजह से ये सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, जनरली क्या होता है, इनमें फ्री आइंस नहीं होते हैं, तो फ्री आइंस ना होने की वजह से ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए ज्वाला कोचिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू।